हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे .NET कोर jQuery के साथ में। हम लोग देख रहे थे वैलिडेशन, और वैलिडेशन में हमने देखा था रिक्वायर्ड वैलिडेशन, हमने लगा के आपको दिखाया था। और एक इसको मैं नंबर, बेसिकली हम इस मोबाइल नंबर में खाली नंबर इंटर कर रहे थे, बेसिकली हम टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते थे। अब जैसे जे बात करें मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर में हम नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 बेसिकली 10 डिजिट इंटर कर रहे हैं। तो ये हमको बेसिकली क्या कह रहा है जे इंटर करने दे रहा है। अगर बात देखा जाए तो ये हमको क्या करने दे रहा है, इंटर करने दे रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे इस पर क्लिक हो तो हम मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना चाह रहा हूँ। मोबाइल नंबर वैलिडेट करने का मतलब जी, इंडिया में जितनी भी हमारी मोबाइल कंपनियाँ हैं वो 5 या 6 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाते हैं, जिसे जो 1 से कोई मोबाइल नंबर स्टार्ट नहीं होता है। तो इस चीज़ की वैलिडेशन के लिए, हमको लगाने के लिए बेसिकली हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने jQuery में मुझे चेंज करना होगा। तो उसके लिए बेसिकली हमको करना क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक काम किया हूँ जे एक फंक्शन होता है वैलिडेशन से रिलेटेड, जे एक JS है मेरे पास, validation.js मैंने अपने फाइल के अंदर ऐड किया हुआ है। और ये फाइल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने ये नंबर की वाला हमने देखा था, ये फंक्शन को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। और एक और फंक्शन मैं इसके ऊपर रखा हूँ, जिसमें मैं क्या किया हूँ, रेजेक्स के द्वारा हमने क्या किया है, इसमें एक मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर रेजेक्स का, बेसिकली ये रेजेक्स क्या होता है जो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली होता है जो हमको किस टाइप का इनपुट लेना है उसके हिसाब से हम कुछ, ये लैंग्वेज होता है बेसिकली, ये स्टार्ट किससे हो रहा होगा, किसके किसके बीच का स्टार्टिंग होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या डिजिट होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, इस सब चीज़ के लिए वैलिडेशन का बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के वैलिडेशन को, इस एक तरह का लैंग्वेज होता है, एक तरह का जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो मोबाइल मतलब जो वैलिडेशन मोबाइल नंबर के लिए हमने बेसिकली लिया हुआ है यहाँ पर 6 से लेके 9 के बीच के जितने भी होंगे, जैसे जो मोबाइल नंबर 5 से स्टार्ट नहीं होता है, 6 से स्टार्ट होता है हमारे इंडिया के अंदर, जो 9 तक होता है, वैसे 6 से भी होता है नंबर, 7 से भी होता है, 8 से भी होता है, 9 से भी होता है। तो इस चीज़ को हमको वैलिडेट करना है, इसके लिए हमने क्या किया जे एक फंक्शन बनाया है फंक्शन, और यहाँ पर रेजेक्स के थ्रू बेसिकली क्या किया, टेस्ट रेजेक्स डॉट टेस्ट डेटा, इस डेटा में जो हमारे पास आ रहा है इसको हम इसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब सही है या नहीं है। ये बेसिकली फंक्शन हमको क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में हमको रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम अपने पेज के ऊपर, पेज के ऊपर हमने क्या किया है, सिंपल सा पेज के ऊपर हमने क्या किया है जो हमने तो ये सेव रिकॉर्ड के लिए फंक्शन बनाया था पिछले वीडियो में, जे हमने बटन क्लिक के ऊपर डेटा को सेव करा रहे थे। अगर वैलिड है तो वैलिडेट फॉर्म आ रहा था, अगर वैलिड नहीं है तो हमको जो एरर है वो सर शो कराया जा रहा था। और वैलिडेट फंक्शन के अंदर जहाँ यहाँ पर नॉट इक्वल टू वैलिडेट हमने चेक किया हुआ है, बेसिकली जो हम इस सबमिट बटन के क्लिक पर हमने क्या किया है जे इसको चेक किया है जी, ये जो हमारा नीचे वाला जो कंडीशन हम दे रहे हैं ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था जो हमारे रिक्वायर्ड था, योर नेम इज रिक्वायर्ड, इसमें हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ को चेक कर रहे थे। अगर लेंथ 0 है तो आपको इनपुट फील्ड में आपको कुछ ना कुछ डालना ही डालना है, अन्यथा आपको मैसेज आएगा जी योर नेम इज रिक्वायर्ड मतलब। या इसके अलावा भी आप चाहे तो यहाँ लगा सकता हूँ जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मिनिमम 3 कैरेक्टर का आपका नाम होना ही होना चाहिए, उससे कम का होगा तो आपको मैसेज शो कर देगा जे ये आपका ये, अगर लेसर देन इक्वल टू 3 है तो ये हमको क्या करेगा, मैसेज शो करेगा योर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम क्या करते हैं जे अगर चेक करना है तो चेक कर लेंगे, नहीं तो हम एक काम कर लेते हैं पहले मोबाइल नंबर को भी देख लेते हैं। मोबाइल नंबर में हमने क्या लगाया था पिछले में, जैसे मोबाइल नंबर इज वैल्यू डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो, मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड। अब हमको लगाना है जे इस वैलिडेशन को कॉल करना फंक्शन मोबाइल नंबर को, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इंडेक्स पेज पर अपने यहाँ एल्स वाले पार्ट में अगर ब्लैंक मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तब तो भाई सही है जो आप मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड दिखाओ, नहीं तो एल्स पार्ट में हमने क्या किया है, एल्स पार्ट में इफ़ फंक्शन वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट मोबाइल नंबर हमारा कौन सा था, ये वाला फंक्शन जो हमने बना के रखा हुआ है, इस फंक्शन में मैंने क्या किया है जो मोबाइल नंबर को भेज दिया यहाँ पर, ठीक है।
और मोबाइल नंबर को भेज के हमने चेक कर लिया, अगर ट्रू मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे एरर मैसेज को डिव को हाइड कर दो, एरर हमको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस मेथड से अगर हमारा जो यहाँ कंडीशन लगा हुआ है अगर इसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ये चीज़, तो ये हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमने एरर के लिए जो यहाँ पर डिव रखा हूँ मोबाइल नंबर के लिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर के जो एरर मोबाइल डिव जो रखा हूँ, इसमें हमको क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा जी इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो हम इस चीज़ को पहले चेक कर लेते हैं जी, ये मोबाइल नंबर हमारा वैलिड ले रहा है या नहीं रहा। इस फॉर्म को हम मैं रन करता हूँ फिर से, और रन करके हम देखते हैं जी क्या ये हमारा ले रहा है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा रन हो गया, और इसमें हमको क्या करना है, पहले मैं आता हूँ जी, इसमें मिनिमम मैं 3 कैरेक्टर रिक्वायर्ड किया था। अगर मैं 2 कैरेक्टर डालता हूँ तो ये देखो योर मोबाइल योर नेम इज रिक्वायर्ड, बेसिकली आपका 3 कैरेक्टर से कम आपका नाम नहीं हो सकता। 3 कैरेक्टर मतलब 3 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, 3 कैरेक्टर पर भी ये हमको एरर दे रहा है बेसिकली। तो यानी हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, लेसर देन इजकल टू 2। ये क्या करेगा, हमको 2 लेसर देन 2 लगा देता हूँ, 2 से कम होता हमको मैसेज दिखाया। और बात करें तो यहाँ मैसेज दिखाएगा 3 हो गया, तो हमारा एक बार हमको फिर से बिल्ड करके इस प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। क्या ये बिल्ड कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं फिर से रन कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, अब देखते हैं जी, मुझे 2 कैरेक्टर पर दे रहा है, एक पर दे रहा है, 2 पर 2 सेटिस्फाइड हो गया, मतलब जी यहाँ मैं 2 सेटिस्फाइड हो गया, डेट मीन्स मैं लेसर देन 3 कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं कर दूंगा, मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड आ रहा है बेसिकली, हमारा क्या हो रहा है, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसमें नंबर डालूँ 0 से 9 के बीच में, तो हमारा कितने से शुरू होना चाहिए, 6 से शुरू होना चाहिए। क्या आ रहा है, इनवैलिड इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, मतलब 10 डिजिट तो हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाइड हुआ। यहाँ पहले 3 कर देता हूँ, अब यहाँ क्या हुआ, 10 डिजिट मतलब हमारा ये कैरेक्टर सेटिस्फाइड हुआ बेसिकली। 10 डिजिट कर रहा हूँ, 10 डिजिट तो हम मैक्स लेंथ से लगा रखा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से मैक्स लेंथ 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं लगा। इसके अलावा क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमने नंबर वैलिडेट कर रहे थे, तो यहाँ पर फंक्शन वैलिड मोबाइल नंबर, अब वैलिड मोबाइल नंबर में क्या हमारा कितना से शुरू हो रहा है, 6 से 9 के बीच की होनी चाहिए, मतलब +91 भी हो सकता है, 91 नॉर्मल 91 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये 3 डिजिट से शुरू हो सकता है या 0 और 1, इसके बाद हमारा क्या 6 और 9 से स्टार्ट होगा, और 0 से 9 के बीच के डिजिट कितना होगा, 9 डिजिट होगा, और 6 और 9 के बीच के कितना डिजिट होगा, 1 डिजिट होगा, 6 हो या 7 हो या 8 हो 9 हो जो भी हो, बेसिकली 6 और 9 के बीच में कितना हमारा डिजिट होगा, 1 डिजिट होगा, और 0 से 9 के बीच का कितना डिजिट होगा, 9 डिजिट होगा। बेसिकली क्या किया, 10 डिजिट को वैलिडेट किया। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा जुड़ता है जैसे +91 91 इस तरह से, तो उसके लिए हमने ये इसको डाल रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम चेक करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशन को। जैसे जब मैंने यहाँ पर डाला 5 से शुरू करता हूँ मेरा नंबर, क्या ये वैलिड है, नहीं नहीं वैलिड है। लेकिन अगर मैं रियल नंबर डालता हूँ, अगर मैं ये सबमिट बटन डालूँ तो क्या हो जाए, वैलिड नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हमको ईमेल आईडी में भी लगाना है, तो ईमेल आईडी में एक वजह वैलिड पड़े, ईमेल आईडी में लगाना है, ईमेल आईडी भी में हमको वैलिडेट करना है। तो ईमेल आईडी को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक फंक्शन रखा हूँ, इस वैलिड ईमेल या वैलिडेट ईमेल, दो मैं नेट से निकाल के रखा हूँ, ये दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए हैं, इस भी रेजेक्स का है, जैसे जी ये कहाँ से स्टार्ट हो, ए से जेड की बीच की वैल्यू हो, या जेड से ए की वैल्यू हो, या 0 से 9 हो, या अंडर स्कोर हो, या डॉट हो, प्लस हो माइनस हो, या उसके बाद ये जो हमारा है क्या है जी, ये हमारा ईमेल का स्टार्टिंग पार्ट हो गया, उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए, एट द रेट के बाद क्या होना चाहिए, ए से जेड 0 से 9 कुछ भी होना चाहिए, डॉट कॉम होता है,
जैसे एबीसी एट द रेट एबीसी डॉट कॉम, तो वो वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद क्या होना चाहिए, कॉम होना चाहिए। कॉम कितने डिजिट का होना चाहिए, 2 से 4 डिजिट के बीच का, ये जेड का जियो सेवन के बीच, जैसे COM.co.in, तो ये सारी चीजें हमारे क्या होगी, यहाँ से ये वैलिडेट होगा। अब इसको लगाना है वैलिड ईमेल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अपने, और इसी मोबाइल नंबर वाले सिंटेक्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ईमेल के लिए, ईमेल हमारा कहाँ है, मैं पहले इनको थोड़ा सा कम कर दूँ जो हमको पता चले कौन सा चीज़ मेरा कहाँ से आ रहा है। ईमेल वैलिडेट करना है, टेक्स्ट ईमेल ये मेरा है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, नेम वाला मेरा हो चुका है, मोबाइल नंबर हो चुका है। ईमेल की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालूँगा और जहाँ जहाँ मोबाइल नंबर लिखा उसको मैं ईमेल से रिप्लेस कर दूँगा। इसके अलावा हमारा ईमेल का जो एरर डिब है क्या है, एरर ईमेल डिब हमने बनाया था, इस एरर डिब को क्या करूँगा, मैं शो और हाइड कंडीशन पर यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, कुछ नहीं किया बस। और यहाँ पर जो मैं फंक्शन वैलिडेट मोबाइल नंबर है इसको मैं किससे चेंज करूँगा, वैलिडेट ईमेल आईडी से चेंज करूँगा, ठीक है। तभी इसमें क्या हो रहा है, जो ईमेल की लेंथ को चेक किया जा रहा है, अगर 0 है मतलब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कुछ नहीं है, तो इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस या योर ईमेल ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, अगर अगर 0 नहीं, 0 से ज़्यादा है अगर डिजिट, तो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। अगर हमको ईमेल सही मिला, मतलब जे इस कंडीशन को मैच किया, अगर इस कंडीशन को मैच किया तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैलिड मिल जाएगा, तो हमको एरर शो नहीं करना है, डिब को हाइड कर देंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, डिब को शो करेंगे और इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, हमको मैसेज शो हो जाएगा। तो ये हमारा ईमेल वैलिडेट का फंक्शन होता है, चेक करना है तो इसको मैं क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ और देखते हैं कि हमारा ईमेल का ये वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके यहाँ पर मैं बटन क्लिक किया तो देखो हमको तीनों चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है, हमने ये दो चीज़ चेक कर रखा था। अब ईमेल की बारी, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ तो ये हमारा ईमेल नहीं है, कहना चाहिए इंटर वैलिड ईमेल बोल रहा है। अगर मैं एट द रेट कुछ टाइप कर दूं, अभी भी ये वैलिड नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉट के बाद कुछ भी लगा दूं तो ये क्या हुआ, जी मेरा वैलिड ईमेल आईडी हो गया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, ईमेल का वैलिडेशन को हम जावास्क्रिप्ट क्वेरी के थ्रू लगाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और होता है, इसमें भी इसके अलावा एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे मैं यहाँ टाइप करके यहाँ से निकलूँ तो ये मैसेज मेरे क्या होना चाहिए, हाइड होने चाहिए। अभी हाइड नहीं हो रहा है, ये क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। तो हाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा नीचे में। तो नीचे में मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बना देता हूँ। अब देख क्या मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन और बनाता हूँ, फंक्शन चेक वैलिडेशन हाइड लिख देता हूँ। बेसिकली नाम उस हिसाब से रखना चाहिए जी, हमारे कोई भी आदमी देखे तो समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक्स पास कर दूँ, एक वाई पास कर दूँ, या मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, आपको जो इच्छा लगे यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चेक करूं जे अगर वेरिएबल आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू डॉट आईडी, मैं इसको एक्स कर देता हूं, ज्यादा अच्छा एक्स डॉट आईडी, मतलब इस एक्स की आईडी से मैच कर रहा है, तो मैं क्या चेक करूंगा यहां पर, इफ उठा लिया आईडी में, अब आईडी इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, आईडी इज इक्वल टू इक्वल क्या करूंगा यहाँ पर, मैं टेक्स्ट बॉक्स के चेक करूंगा, जैसे नेम है तो यहाँ टेक्स्ट नेम को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा जो क्या इसमें जो आईडी उठ के आ रहा है इसके बराबर है एक्स डॉट आईडी के, ठीक है। अगर है तो क्या करना है,
है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंड अगर है तो भैया हमारा ये वाला फंक्शन क्या हो जाए, ये वाला चीज हमारा चल जाए ना, ना अंदर तक कुछ नहीं करे। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, चला दिया। अब इसको कैसे करेंगे, चेक हाइट वैलिडेशन को हम खोल कैसे करेंगे, ये तो पहले मैं एक के लिए लगाया हूँ। अब इसको कॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नेम वाला में नेम जहाँ लिखा हूँ वहां मैं लिखूंगा ऑन चेंज पर, इसको लगाऊंगा ऑन चेंज, ऑन कैंसिल नहीं, ऑन चेंज किस पर लगाऊंगा, इसके ऑन चेंज पर, ऑन सी एच ऑन चेंज, ऑन चेंज पर क्या करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा अपने इस फंक्शन को चेक हाइड में, इसमें मैं क्या करूंगा इसकी इसकी आईडी को पास करूंगा। ठीक है, इसकी आईडी को उठा के ये लेके जाएगा। अब चेक करना है इसको जो क्या ये चल रहा है प्रॉपर कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करते हैं रन करके जी प्रॉपर वैलिडेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो कह रहा है योर नेम इज रिक्वायर्ड। अब मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, मैं अपना नाम टाइप कर दूँ। अब जैसे मैं इसे बाहर निकलूंगा तो देखो हाइड हो गया ना, पहले नहीं हो रहा था, अभी मैं इस मोबाइल नंबर में मैं कोई मोबाइल नंबर टाइप कर दूं और इससे मैं बाहर निकलूं तो हाइड नहीं होगा। यही काम हमको क्या करना है, मोबाइल के साथ भी करना है और ईमेल के साथ भी करना है। तो मोबाइल और ईमेल के साथ करने के लिए इसमें हमको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है, बस एसी को क्या करना है, यहाँ पर जो इफ नेम लिखा हूँ यहीं पर मैं लगा देता हूँ, एल्स इफ लगा देता हूँ, एल्स इफ क्या है हमारा सेकंड वाला, सेकंड में मेरे पास क्या था, यहाँ से क्या लूंगा टेक्स्ट मोबाइल नंबर को कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाके इसके आईडी से मैच करा लूंगा। यहाँ पर अगर ये मैच करता है तो क्या हमको मिलना चाहिए, क्या होगा यहाँ पर, तो जो मोबाइल वाला हमने लिखा था यहाँ पर ये वैलिडेट वाला मैं मोबाइल के लिए जो लगाया था उस चीज को मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको डाल दूंगा सेम कंडीशन जो ऊपर लिखा हूँ। यहाँ पर क्या करेगा, मोबाइल नंबर के लेंथ को चेक करेगा, अगर सर अगर लेंथ नहीं है तो मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा, और लेंथ वैलिडेट करता है तो मोबाइल नंबर को वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद उसको बोलेगा जी ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मोबाइल का हो गया। उसी तरह से हमारा क्या होगा, ईमेल का भी होगा। तो यहाँ पर एल्स इफ, फिर एल्स इफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल को उठाएंगे यहाँ पर और ईमेल को भी हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे। तो ईमेल को चेक करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ईमेल के लिए जो फंक्शन बनाया हूँ उसको यहाँ से कॉपी करूँगा और ईमेल के लिए यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा ईमेल को उठा के डालूंगा। सेम ऊपर वाला ही चीज़ यहाँ चल रहा है। अगर इसको चेक करना है तो मैं इसको फिर से बिल्ड करता हूँ और देन मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और चेक करते हैं जो क्या ये मेरा प्रॉपर वैलिडेशन चल रहा है इसके ऊपर या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्म रन होके आ गया। अगर मैं मोबाइल नंबर कुछ भी डालूं, अगर इससे बाहर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटर वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल नंबर, और यहाँ से मैं टाइप करके बाहर निकला तो यहाँ ये हमको इसको कर दिया। अगर मैं इसको डाल दूँ सही सही तो ये क्या कर रहा है, चलिए नहीं चल रहा है, अच्छा इस पे क्या करना होगा हमको, ऑन रिटर्न को कॉल करना होगा। यहाँ पर जो मेथड मैंने कॉल किया था ना टैग चेक बॉक्स के ऊपर है बेसिकली ऑन चेंज पर, तो ऑन चेंज हमको इनके भी लगाने होंगे, किनके, ईमेल आईडी के और मोबाइल नंबर पर भी, मोबाइल नंबर के ऑन चेंज पर मैं कॉल कर दिया और देन हमको क्या करना है, ईमेल के ऑन चेंज पर भी मुझे इसको कॉल कर देना है और देन मैं क्या करता हूँ फिर से बिल्ड करता हूँ और इसको रन करके चेक करता हूँ जी ये मेरा वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अब क्या हुआ जी, ये प्रोजेक्ट मेरा रन हो रहा है और देन हम क्या करेंगे इसको वैलिडेशन को यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ से मैं अगर बटन दाबूँ तो देखो हमको तीनों रिक्वायर्ड कर रहा है।
अगर मैं इसमें कुछ टाइप करके निकल जाऊं तो ये वैलिड है, अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करूं और बाहर निकलूं तो इंटर वैलिड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक कह रहा है बिना बटन प्रेस किए, या मैं यहां से अगर डाल दूं वैलिड मोबाइल नंबर, अगर मैं यहां से बाहर निकलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन होगा। और मैं यहाँ पर @ डाल के कुछ भी डाल दूँ ईमेल आईडी तो हमको बोलेगा सही है। अगर मैं इस फॉर्म को क्लियर कर देता हूँ, फिर से अगर मैं इसमें डालता हूँ, अगर नहीं डालता हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करके निकल गया तो ठीक है, मोबाइल नंबर टाइप करके निकल रहा हूँ कुछ भी उल्टा सीधा, तो इसमें हमको क्या करेगा जी, इसको कहेगा वैलिड मोबाइल नंबर और इसमें कहेगा वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन हम कुछ इस तरह से लगाते हैं .NET Core with jQuery, jQuery के हेल्प से। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड ये नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसमें टेक्स्ट में कुछ भर दिया हूँ इस बॉक्स पर, अगर रिसेट पर क्लिक करूँ तो हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप फॉर्म टैग यूज करते हो तो आपका तो फॉर्म टैग के हिसाब से रिसेट बटन लोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर, लेकिन हम फॉर्म टैग नहीं यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में हम इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रीसेट का। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे रीसेट का, नीचे में यहां पर बना देता हूं फंक्शन रीसेट फॉर्म, और इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा कंट्रोल्स है यहां पर, जैसे टेक्स्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इसको मैं क्या करूंगा ब्लैंक कर दूंगा इसे क्लिक कर, यहां पर इसके आईडी को यहां पर डॉलर देन डबल कोट हैश आईडी .val में हम क्या क्या करना है, इसको ब्लैंक कर देना है, कुछ नहीं करना है। उसी तरह से ईमेल को भी डाल दूंगा और मोबाइल को भी डाल दूंगा, ठीक है, ईमेल और मोबाइल को भी इसमें मैं डाल दूंगा। अगर इसके आईडी निकालना है तो आप ऊपर से देख लीजिए, नहीं तो यहाँ से ऐसे क्लिक करना है और देन इस टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ मिल रहा है आपको टेक्स्ट मोबाइल नंबर, इसको आप उठा के यहाँ डाल दोगे। उसी तरह से ईमेल का भी आईडी आपको नीचे वाले डील में यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आता हूँ और ईमेल वाला पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और देखो टेक्स्ट ईमेल, इसकी आईडी मुझे यहाँ से मिल गया। यहाँ से भी हम आईडी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये फंक्शन रीसेट जो मैं बनाया हूँ, इसको हमको कहाँ पर कॉल करना है, रीसेट बटन के ऑन क्लिक पर। तो रीसेट बटन पर हम अपने पेज पर आएंगे और इसके ऑन क्लिक पर इसको मैं कॉल कर देता हूँ। चेक करना है तो इसको रिबिल्ड करना होगा, हमको रन करना होगा फिर से इस प्रोजेक्ट को, और देन हम क्या करेंगे अपने रीसेट को भी चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर दूं, लेकिन अब मुझे सबमिट नहीं करना है, अगर सबमिट करूंगा तो हमको वैलिडेट फॉर्म आ जाएगा। अब इसके वैलिडेट फॉर्म करने का मतलब आगे के लिए हम इसको डेटाबेस में सेव करा सकता हूं। अगर रीसेट पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स में रखा लिया। तो ये हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन और ईमेल वैलिडेशन हमारा jQuery के थ्रू .NET Core के अंदर।